पंडित जी 9 साल आ रहो है, तो हम चाहते हैं कि आप जरा बच्चन के भविष्य के बारे में कछु बताएं। सबका? हाउ हाउ, सब बच्चन के? माता जी समय लगेगा, सुबह सुबह खाली बिठा गए हैं ना। अरे चिंता काय कर रहे हो, हम फर्स्ट क्लास नाश्ता बनवाएंगे आपके खातिर। अरे तो ठीक है माता जी, बुलाइए। एक अट्टो, अगर इसे दोपहर का खाना खिला दिया ना तो सबका भविष्य बना के जाएगा, बताने की बात तो बहुत छोटी रह जाएगी। पंडित जी राम राम। अरे राम राम बापू जी। सवेरे सवेरे पधार गए। अरे ना ना हपुआ, उते ना बैठ, उते तुम्हारे पिताजी बैठे हैंगे। इन्हें अलग चैन ना है। और अम्मा क्या चल रहा हो जू? पंडित जी सब बच्चन को भविष्य बता रहे हैंगे। तुम इनके चक्कर में लंदन को स्कूल ना छोड़वा दई जू। अरे नहीं नहीं, हमें भी नाश्ते की जल्दी है, फटाफट निपटाते हैं। देखिए बिटिया, हाँ पहले तुम्हारा देखते हैं। क्या लिखो है हमारी चमची के भविष्य में? माता जी राजनीति की तरफ झुकाव है, इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करने माहिर है, भविष्य में आगे चल के विधायक बनेगी। हमें भी बाकी लक्षण ऐसे ही दिखते हैं। नेक्स्ट। अरे बेटा आ जाओ। फटाफट फटाफट। पंडित जी बताओ हम आओ हृतिक का करेगो? अरे माता जी अभी बताते हैं। माता जी सब पे राज करेगा, सब पे हुकुम चलाएगा। अरे वाह, जाको मतलब अम्मा, जो जो पंडित जी मतलब बड़े होके कोनो बहुत बड़ो अफसर बनेगो? नहीं नहीं, इसके ग्रह बता रहे हैं कि आगे चल के बहुत बड़ा डॉन बनेगा। अरे जाके लक्षण ही ऐसे हैंगे। नेक्स्ट। हरियाणवी बिटिया अब तुम आओ। चक चक को। बिल्कुल सही पंडित जी, मलाइका को बताओ जब बिटिया में लगन है। ओ हाँ बिटिया, सीधा सीधा। हाँ माता जी ये ईंटे के भट्टों में काम करेगी। हाँ हाँ ओ पंडित जी, यो कैसे हो सकता सर? अरे बिटिया ये हम नहीं कह रहे हैं, आपके ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं। मैं ना मानती हूँ सब, मने इतना मालूम से कि मैं हरियाणा पुलिस में जाऊंगी बस। बट मलाइका, पंडित जी स्टेटमेंट तो नेवर बिकमिंग रॉन्ग। मैं करके दिखाऊंगी रॉन्ग, देख तू। नेक्स्ट। शादियों में गाना गाएगा, नाश्ता। नेक्स्ट। शादियों में गाएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में साइंस का प्रोफेसर बनेगा। नेक्स्ट। आप एसपी बनेंगे। नेक्स्ट। ठीक है, पापा एसपी बनेंगे। कटो, पंडित जी को मेरे बारे में पूछो ना। चुप करो, भूतों का क्या भविष्य होता है? क्या पता अगले साल मेरी भी किस्मत बदल जाए। हाँ पंडित जी, हपुआ के पिताजी भी पूछ रहे हैं कि माँ के भविष्य के बारे में कछु बताओ, कि बेभूतन की दुनिया में कछु करेंगे कि ऐसे ही मंडराते रहेंगे। ठीक है माता जी, अपना हाथ लाइए। हाओ हाओ, ए हपुआ जरा पकड़ बाला। आराम से आराम से, आजा आजा आजा। उनकी रेखा आपके हाथों में होगी ना। हाओ हाओ। माता जी भविष्य का तो पता नहीं, लेकिन उनका अगला जन्म युगांडा में होगा। लंदन कॉलोनी से सीधे युगांडा? जल भी है इनकी कहाँ बैठी? बताओ, तब से हमारा सिर खा रहता है, हो गए युगांडा चल गए। उलुलाला हो हो हो, उलुलाला हो। अभी से क्या कर रहे हैं, अगले जन्म में करियो। पंडित जी राधे राधे। राधे राधे बिटिया। जी चाहे। अरे हाँ हाँ हाँ। पंडित जी ने केटो का हाथ दे के बता दो का बने हैं केट हित्या। हाँ बिटिया। अरे हाँ बिटिया। You watching mother meets becoming air hostess।
बिटिया इसके बारे में ना इसके ग्रह नक्षत्र कुछ ठीक नहीं बता रहे हैं। का मतलब? मतलब ये है बिटिया कि अगर इसकी शादी इसी महीने नहीं हुई तो इसका भविष्य चौपट हो जाएगा। जी कैसे हो सकता है? आप ढंग से देखो ना पंडित जी, ऐसे कैसे होएगा? अरे बिटिया ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो सब ऊपर वाले की माया है। पर पंडित जी माँ को कोई उपाय तो होगो? माता जी एक ही उपाय है, जल्द से जल्द इस कन्या की शादी करवा दीजिए, नहीं तो ये आजीवन कुमारी बैठी रहेगी। पंडित जी तब तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मुसीबत नहीं है अप्पू जी, ये शुभ समय है इस कन्या के लिए, अगर इस समय इसकी शादी हो गई तो पूरी जिंदगी ऐसी ऐस फरमाएगी। बहू नाश्ता तैयार है? आओ आओ राजेश, तुम बड़ी जसू नाश्ता तैयार करो पंडित जी के लाने। पंडित जी हम का कह रहे, जब तक नाश्ता आ रहा हो तनक जब तक हमारी जा यो को बता दी जो बड़े होके का कारनामे करेगो। तो छोटो देख रहे हो पंडित जी। सबकी चिंता है हमें, लियो। अरे इसका तो माथा ही देख के बता देंगे कि क्या बनेगा। अच्छा आले 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 अरे 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 दादा अरे पंडित जी ना के ना आए तुम। यही होना चाहिए। कोई बात ना पंडित जी, हैं अपनों अपनों ही होते हैं। अम्मा ढंग से भविष्य बता दो पंडित जी को जाने। पंडित जी बढ़िया घुइया के पराठे बन रहे हैं आपके लाने। आओ और अब नमकीन भी लगेंगे खाने में। हेलो कैट। ओ भाई के तेने के हो गया, आज उल्टा कैसे आ गया तू? उल्टा? नो नो मी तो कमिंग जस्ट सीधा, नॉट उल्टा। ए बावड़ी पूछ, मारा कहने का मतलब से खिड़की की जगह दरवाजे से कैसे आ गया तू? मलाइका यू टेलिंग मी वन थिंग, मतलब व्हेन कमला इज कमिंग फ्रॉम खिड़की यू टेलिंग हिम की कमिंग फ्रॉम दरवाजा, नाउ ही कमिंग फ्रॉम दरवाजा सो नाउ यू आस्किंग हिम टू व्हाई यू कमिंग फ्रॉम दरवाजा, मतलब दिस इज नॉट फेयर, व्हाट इज हैपनिंग? दीदी बुरा क्या मान रही है, मैंने यूं ही पूछ लिया। अब खिड़की से आए के दरवाजे से आए, अपने बाथरूम के कमोड से आए, मरने के जमा दे। कैट, हाय कैट, हाउ आर यू? हाय कमलेश, मी इज गुड एंड मी इज सेइंग सॉरी फ्रॉम मलाइका साइड। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, सी इज योर शॉर्ट सिस्टर। एनीवे मी कमिंग हियर टू टोल्डिंग ए समथिंग न्यू। ओह माय गॉड कमलेश, मी आल्सो वांटेड टू टेल यू समथिंग। ओह ओह माय गॉड रियली? First you told? No, no, first you telling me, na. Oh. Okay, Kat, you know, we're going to writing novel. Oh my God, Kamlesh, meaning you're becoming novelologist? Yeah, yeah, me becoming myself best novelologist in this world. And actually, main na, just writing high-level novels only. That's great, Kamlesh. Kat, actually, you to already told you want to telling me something, so you tell. Yeah, Kamlesh, you know, today Pandit ji coming and he told him mother father that my wedding happening very soon. Oh, oh my God, really? Oh, sounds just like wow. Kat, congratulations, and this is news, amazing, amazing, and I'm very happy for you. Thanks, Kamlesh. And telling me how many days after you will just round circle, 7 circle in front of fire, means kab tak shaadi kar logi tum? Kamlesh, 15-20 days. Just 20 days? Oh. After 20 days, you will ta-ta bye-bye from this mohalla. Okay, Kat, now me going and decorate your marriage dreams. Yes, Kamlesh. Oh, Kat, sounds like just amazing and congratulations again. Thanks, you again, Kamlesh. Oh, Kat. Oh. Yeah. Bye, Kamlesh. Bye-bye. Kamlesh is happy. Kamlesh is not sad. Me is getting married. Kamlesh is happy. ठीक है. Why me sad? Me not sad. Me not sad.
is how you will marry cat. How you will leave me. Me cannot live without you. Cat. Cat. Not good. This is not good. How you spoke it. And before spoken it, thank you. Cat. You not understand my international pain. Chachi! Me say congratulations Chachi. To you from my heart, not my body, not. Kaho be? Hain? Tum yahan kya kar rahe ho? Kaho beta, beta murga bane kahan baithe ho? बोलबो कुछ नो नो बड़े भैया मी नॉट मेकिंग माई सेल्फ कॉक किधर देखे जरा तो तुम्हारी आंखें तो लाल है गुरु मतलब आजकल का सुल्फा उल्फा लगा रहे हो नशा उशा करने लगे नो नो मी राइटिंग ए नोवेल अच्छा मतलब बड़का उपन्यासकार बन रहे हो उपन्यास लिए हुए थोबड़ा देखा है अपना तुमने शीशे में बड़े भैया प्लीज Don't underestimate me. And why me not writing a novel? क्या बेटा उसके लिए ना story में मतलब कहानी में जो है ना घुसना पड़ता है डूबना पड़ता है. Yes, yes. Me going inside the deep. And please, you बड़े भैया, you actually disturb me right now. ऐसा बेटा मतलब inside जाने के लिए का ऐसे जमीन पर गहराई नाप रहे हो क्या तुम बैठ के? Yes, yes, actually. क्या बेटा एक बात बताओ छोटे भाई का नाम छोटे उपन्यास का सम लव स्टोरी विल नेवर डिस्ट्रॉय विल नेवर डिस्ट्रॉय क्या मतलब पन्नी कोई प्लास्टिक कोस्टिक की कहानी है क्या यस यस माय नोवेल माय स्टोरी विल वॉकिंग इयर्स एंड इयर्स जनरेशंस एंड जनरेशन पहले लिख तो लो उसी के बाद पता चलेगा कि गुइया की है कहानी प्लीज बड़े भैया यू सी इट यू विल सी इट एंड मी प्रूव इट एंड अगेन प्रूव इट गलत फहमी के शिकार कोई बात नहीं गुरु तुम्हें जो है ढेर सारी शुभकामना ऑल द बेस्ट अच्छा लिखो हमारी तरह तुम्हारा भी नाम हो बढ़िया ऑल द बेस्ट हम जा रहे चाची से मिल रही थी चाची बड़े भैया Get our love story never destroyed, just like plastic. Oh. Didi, तू रो रही से? But I come is not crying. तो फिर ये टूटी क्यों चालू से? It is not flowing now. Me stopping it. अच्छा, वो कबूतर कुछ बोलकर गया क्या? He not saying anything, Malaika. He's to my best friend, na? तो फिर कोई बॉयफ्रेंड के चक्कर से जो रो रही से? Malaika, we not having any boyfriend. तो फिर रो क्यों रही से? You not understanding, Malaika. Why me crying? तू बतावेगी तभी तो समझूंगी. थारे दिल के अंदर थोड़ी ना घुस जाऊंगी. Malaika, you leaving me wanting to stay alone. You please go. दीदी छोड़ दूंगी तेरे अकेले पर पहले बता तो सही हुआ के रो क्यों रही है? Nothing happening. मत बता रोती रह सुबह के. Marvelous. We was not hoping this. You becoming very happy. After hearing news of my marriage. You breaking my heart, Kaulas. Breaking dil tod diya, mummy. Manwar, aisu ka pad raho pel pel ke? Jain se. Aao aao. Itno ghos ghos ne. डूब के पढ़ाई काय कर रहा हूँ सर मैं अपने संविधान के बारे में पढ़ रहा था काय तुको कोनू बाहरी परीक्षा देने का कोनू
नहीं सर, मैं हर भारतीय के अधिकारों के बारे में पढ़ रहा हूँ जो हमारे संविधान ने हमें दिए हैं। वाह, यह बात से की याद आई, तुमको पता है आज जो समाज में लोग समान रूप से रहते हैं, जी सर, वो समान रूप से रहने को अधिकार कौन ने हमें दिलाए हुए? नहीं, इसलिए तो पढ़ रहा हूँ। उनको नाम है तो बाबा साहेब अम्बेडकर, और ऐसा ही नहीं करता उनने जो साहब, बाकी लानों ने घोर तपस्या करी, बहुत परिश्रम करो, मेहनत करी, तब जाके देश में लोगन को बराबरी को हक मिलो। उन्हीं ने हम सबको सिखा हुए कि इंसानियत का है, लोगन को सम्मान करने का है, ये दोनों चीजें उन्हीं ने सिखाएंगे। वो इतने महान थे? अरे कि कितने महान थे, वो तो तुझे पढ़, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम खुश हो गए तेरी जवाब से। लेकिन एक और काम कर, ऐसे महान आदमी पे, बाबा साहेब अम्बेडकर पे एक शो आ रहा हुआ 17 तारीख, मतलब कल से, एंड टीवी पे आ रहा हुआ 8:30 बजे, वो तू देख, मैं तुमको तब पता चलेगा उनकी बचपन से लेकर संविधान लिखे जाने तक की सारी गाथा, पूरा सफर है बामे। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। अरे तो तभी तो तुमको पता चलेगा कि असलियत में बाबा साहेब अम्बेडकर कितने महान थे। ये शो मैं जरूर देखूंगा। तू देख, और तू क्या देखेगा उसको, हम देखेंगे कैसे जौन लड़ाई उनने लड़ी हैगी, वो मानवता को सम्मान है, और जो उनने किताब लिख दी वो देश को संविधान है, तो ऐसी आदमी को तो मतलब दिल से सलाम करना चाहिए। बिल्कुल सर। फिर आ, हम दोनों मिलकर सलाम ठोकते हैं। जी सर। ओके, जय हिंद। जय हिंद। ये भाई बात सर, हाँ। मैं एक मिनट में आता हूँ। काहे, कहाँ जा रहा हूँ? बीवी को फोन करके बताता हूँ कि वो भी ये शो जरूर देखे। बिल्कुल सही बात। एक काम और करिए, फोन करके जब लौट के आ तो बढ़िया अदरक वाली कड़क चाय भी लेके आ। नहीं लाऊंगा सर। काहे? क्योंकि हम सब एक समान है। माँ, मैंने आज तक जो तुमसे मांगा तुमने मुझे भर भर के दिया। मैंने एक मामूली हवलदार की नौकरी मांगी थी माँ, और तुमने मुझे ये पुलिस कमिश्नर की नौकरी दे दी। माँ, मैंने तुमसे सिर्फ एक बीवी मांगी थी, हालांकि बीवी तुमने मुझे एक ही दी, लेकिन वो भी 100 से कम नहीं है माँ। माँ तू धन्य है माँ, मैंने तुमसे सिर्फ एक ही औलाद मांगी थी और तूने मुझे दो औलाद दी। मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छा वर दिया माँ, लेकिन आज मैं तुम्हारे दर पे कुछ और मांगने आया हूँ माँ, कुछ और मांगने आया हूँ माँ। माँ, मेरा बेटा बिट्टू अमेरिका से सारी डिग्रियाँ लेके इंडिया वापस आ रहा है माँ। माँ, उसकी शादी की बहुत फिक्र हो रही है, उसके लिए कोई अच्छी सी संस्कारी लड़की ढूंढ दो माँ, ढूंढ दो माँ। ऐसा है बेटा कमिश्नर, इतने खड़े हम ये कह रहे हैं कि माता के पास बतेरे काम हैंगे, पूरी दुनिया के भक्तगण बा के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, इतने छोटे से काम के लिए माता को काय परेशान कर। और ये छोटा काम नहीं है, मेरी बेटे की जिंदगी का सवाल है अम्मा जी। हाँ, बस उसके लिए एक अच्छी सी संस्कारी लड़की मिल जाए बस। फिर तूने गवार पने की बात कर दी, तू माँ से ऐसी बात कर रहा हुआ जैसे माँ ने मैरिज ब्यूरो खोल रखा हुआ। तो फिर आप ही बताइए अम्मा जी, मैं कहाँ जाऊँ? अरे कमिश्नर बेटा, कहीं भी भटकने की जरूरत ना है, तू ये सोच कि माता ने तेरी बात सुन ली है और हमें तेरे लाने भेज दो है। अच्छा अच्छा, तो आपने मैरिज ब्यूरो खोल लिया? अरे बेटा, हमें खोलने की जरूरत ना है मैरिज ब्यूरो, हम तो चलते फिरते मैरिज ब्यूरो हैंगे। जा मोहल्ले में आधे से ज्यादा शादियां हमने कराई। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ। तो अम्मा जी, आप मेरे बेटे के लिए भी कोई अच्छी सी संस्कारी लड़की ढूंढ दीजिए ना। अरे ढूंढ रखी हैगी, लड़की हैगी, बल्कि हमारे घर में हैगी। अच्छा, वो हरियाणा पुलिस? अरे बात नाबालिग हैगी। अरे हम बात कर रहे हैं केट की। अरे बात सुंदर छररी, इंग्लिश बोलने वाली, फराटेदार, तेरो लौंडो ठहरो फॉरेन रिटर्न, दोनों की खूब जमेगी। अच्छा अच्छा, याद आया, वो स्लिम ड्रीम खूबसूरत सी पत्नी। इतनी सुंदर सुशील संस्कारी लड़की हैगी कि तेरे लौंडे के नाक में दम कर देगी। जी? हमारा मतलब है कि तेरे लौंडे के नाक में नकेल कस के रहेगी, इत उत कित भी नहीं भाग सकेगा।
आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया अम्मा जी। मुझे बिल्कुल ऐसी ही लड़की चाहिए जो मेरे बच्चे को संभाल सके। संभाल सके? तेरा बच्चा कोई दूध पीता लौंडा है गो जो कि गोद में लेके घूमेगी हमारी केट? नहीं नहीं अम्मा जी, संभाल सके बोलो। वैसे मेरा बेटा बड़ा हट्टा कट्टा है। अच्छा अच्छा, तो अब बेटा ये रिश्ता हम पक्का समझे? बिल्कुल पक्का अम्मा जी, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आपकी परछाई मेरे घर में बहू बन के आ रही है। जय माता दी, हमने कह दिया सो होगा। लेकिन आप एक बार वो हप्पू सिंह को राजवीर से पूछ लेते तो सलाह हो जाती है ना? नहीं, हप्पू सिंह तो ठीक है, राजवीर कौन आ गया बीच में? आप अपनी बहू को बोल गई। अरे हप्पू की पत्नी। अच्छा राजेश। आप एक बार राजेश से भी पूछ लेते अम्मा जी। अरे उन दोनों से पूछने की क्या जरूरत है? हम घर के बड़े हैंगे, घर की मालकिन हैंगी, हमारा फैसलो आखिरी फैसलो होता है। वाह माँ जी वाह, आपने तो मेरी टेंशन बिल्कुल खत्म कर दी। संस्कारी बहू मिल गई हमारे घर को। अम्मा जी, माता रानी की कृपा से मेरी ये टेंशन तो खत्म हो गई। आप ये शादी होने दीजिए, हप्पू सिंह को मैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बना दूंगा। जय माता दी। जय माता दी। जय माता।